पूर्णिया के कस्बा इलाके में बदहाली बोल रहा है। जहां प्रशासन और प्रतिनिधि फेल होते हैं, वहां पर चचरी पुल का निर्माण किया जाता है। सीमांचल की यही हकीकत है। इन रास्तों से होकर लोग घंटों का सफर मिनटों में तय करते हैं। चाहे डिजिटल युग हो या पूरा पाषाण काल हो, हालात कभी नहीं बदलते हैं। निर्माण मंत्री है, उसके पास भी दो बार गए, उसको लेटर देकर बोला कि हो जाएगा, इंक्वायरी करवा देंगे। और इंक्वायरी हुआ भी ऐसा नहीं है। जब जब चुनाव आता है, हर चुनाव से पहले MLA MP लोग जो होते भेजते हैं आदमी को, और वीडियो वगैरह करके नापी करवा के लेके जाता है। बोलता है टेंडर हो गया, तो अब ये हो गया, वो हो गया, और जैसे चुनाव जाता है उसका नामो निशान क्या देखने तक नहीं आता। हम लोग जा के परेशान हो गए ना, वो घर में मिलते हैं, दिल्ली का बहाना लगाता है, कहाँ कहाँ का बहाना लगाता है, लेकिन वो काम बिल्कुल नहीं रहा। हम लोग बहुत परेशान है, और इस पुल के चलते हम लोग का अभी 10 से 12 किलोमीटर का लंबा फैसला पैदल आके करना पड़ता है, और बहुत ही परेशानी है। और स्कूल के बच्चे लोग जो नहीं जा पाते हैं, प्लस किसी मरीज अगर मर जाए तो मतलब वो मर जाएगा, उसको एक दवा तक नहीं मिल सकता, ऐसा प्रॉब्लम। कस्बा के फकर तकिया गांव में कजरी नदी पर चचरी पुल लाइफ लाइन का काम कर रही थी। अचानक बाढ़ आने से पुल बहने लगी और स्कूली बच्चे तैर कर किसी तरह से जान बचाने में कामयाब रहे। लोगों को अब मिनटों का सफर घंटों में तय करना होगा। इन इलाकों में आपात स्थिति में मरीजों की शामत आ जाती है। कुल मिलाकर बदहाली का यह एक बड़ा मिसाल है। पुल जो है ना, कम से कम जो है ना 7 गांव को जोड़ती है इधर से, ठीक है, जाना। लेकिन जो है ना बच्चे लोग जो है ना 3 दिन से स्कूल जाना बंद है। इसका जो है ना जिम्मा कौन है? जो है ना सरकार ही है। पहले तो जो है ना कांग्रेस का सरकार था, तो समझ में आ रहा था क्या कि काम नहीं कर रहा। अब तो डबल इंजन वाली सरकार है, इसका भी वही हाल है। हम लोग जाएं कहां तक जाएं? मतलब आप क्या डायरेक्ट जाके प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा हम लोगों को? हम लोग संतोष कुशवाहा जी को भी जो है ना ये दिया जाना, एप्लीकेशन दिए, लेसी सिंह जी को भी दिया जाना, आफाक आलम को कई बार जाके बोले जाना, कोई सुनवाई नहीं है। डीएम को भी हम लोग डीएम तक हम लोग जो है ना एप्लीकेशन पहुँचा के आए हैं। सारे बच्चे सीमांचल इलाके में झील, नदियां और धार को पार करने के लिए ब्रिज नहीं, चचरी पुल ही एकमात्र सहारा होता है। बाढ़ के दौरान इन रास्तों से गुजरना मौत को दावत देने के बराबर होता है। जब जल स्तर घटता है तो 4-चक्का वाहन भी बड़ी आसानी से गुजर जाता है। इन पुलों का निर्माण ग्रामीण चंदा मांग कर करते हैं और महीनों तक आवाजाही का साधन बना रहता है। कजरा मुसारी जोड़ता है, कजरा जोड़ता है, रजबड़ा जोड़ता है, गढ़िया बिशनपुर जोड़ता है, गढ़िया जोड़ता है, बतनाहा जोड़ता है, फकर तकिया जोड़ता है जी। और बहुत सारा आबादी है, 20 से 25 हज़ार के लमसम आबादी है जी। और आने जाने में दिक्कत हो रहा, आप देख खुद ही देख रहे हैं कि कैसे गिरते गिरा बचे, ऐसे ये सब सर परेशानी है बहुत। बच्चे का मौत, क्या मांग है? मांग हम लोग का यही है कि सर जितना जल्दी हो पुल बनाया जाए।